कभी प्याज ने रुलाया तो कभी टमाटर की बढ़ती कीमतों ने। महंगाई आसमान छूने को बेताब है। एनडीए सरकार के आम बजट से पहले आम आदमी का बजट बिगड़ता जा रहा है। 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट से पहले इन दिनों सब्जियों के दाम बुलंदियों पर हैं, तो वहीं अब उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों ने केंद्र सरकार और आम आदमी की मुसीबत बढ़ा दी है। सोमवार को उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक जून में थोक महंगाई दर बढ़कर 3.36% पर पहुंच गई है। बीते 4 महीने से लगातार WPI में इजाफा हो रहा है। इससे पहले मई महीने में थोक महंगाई दर 2.61% था, जबकि साल भर पहले के समान महीने यानी जून 2023 में ये आंकड़ा 4.18% था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक थोक महंगाई में ये बढ़ोतरी इस महीने खाद्य पदार्थों के दाम, खाद्य पदार्थों के उत्पादन, कच्चे तेल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और अन्य चीजों की कीमतों में वृद्धि की वजह से दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो जून महीने में फूड आइटम्स पर महंगाई दर जून में 10.87% बढ़ी है, जो कि इससे पहले मई महीने में 9.82% थी। महंगाई में बढ़ोतरी के पीछे सबसे ज्यादा योगदान प्याज और टमाटर की बढ़ती कीमतों का है। दरअसल इन दिनों आम आदमी की थाली से प्याज और टमाटर गायब होता जा रहा है। बाजार में हरी सब्जियों की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली है। कीमतों को लेकर टमाटर और लाल है तो सब्जियों का राजा आलू भी आसमान छूते दाम के साथ आम लोगों को आंखें दिखा रहा है। भिंडी और लौकी के दामों में भी जबरदस्त उछाल है। लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। पहले से ही राशन का सामान महंगा है, अब सब्जी भी बारिश में पसीना छुड़ा रही है। बाजार में टमाटर की कीमत इन दिनों 100 के पार चली गई है, जबकि आलू भी 50 के करीब बिक रहा है, तो वहीं लौकी, करेला, भिंडी जैसी तमाम हरी सब्जियां 50 से 60 रुपए में बिक रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर टमाटर इसी मौसम में हर साल अचानक क्यों इसी तेजी के साथ महंगा हो जाता है? क्या बारिश की वजह से टमाटर महंगा हो रहा है? क्या हर साल बारिश में महंगा टमाटर खाने की आदत जनता डाल ले? क्या किसान को महंगे टमाटर का कोई फायदा होता है? अगर नहीं तो बीज का मुनाफा कौन खा रहा है? क्या टमाटर के पीछे मई जून के महीने में हर साल खेल होता है? ये वो तमाम सवाल हैं जो हर साल बरसात के मौसम में लोगों के जहन में उठते हैं। अगर बात टमाटर की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा टमाटर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। भारत में टमाटर की दो फसल मुख्य रूप से होती है। एक फसल अगस्त से सितंबर के बीच बोई जाती है, दूसरी फरवरी से जुलाई के बीच तैयार की जाती है। फरवरी वाली फसल में अप्रैल तक फूल और जून जुलाई में टमाटर तैयार होकर मिलता है। यानी अभी जो टमाटर बाजार में होना चाहिए वो फरवरी से जुलाई के बीच तैयार होने वाली फसल है, यानी गर्मी से लेकर बारिश के बीच वाली फसल। बता दें कि मॉनसून के दौरान अक्सर सब्जियों की कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि बारिश की वजह से कटाई, पैकेजिंग और सप्लाई पर असर पड़ता है। पिछले साल भारी बारिश के कारण आलम ऐसा रहा कि टमाटर के दाम 350 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे। बहरहाल लगातार चौथे महीने थोक महंगाई दर के आंकड़ों में वृद्धि ये बताती है कि बीते एक साल में महंगाई किस कदर रिकॉर्ड तोड़ बढ़ी है। 23 जुलाई को पेश होने वाले आम बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं कि उन्हें बजट से कुछ राहत जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।